रत्रा विजन में आपका स्वागत है। कुछ भी कभी भी, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अगर हम किसी से बहुत बेतनहा प्यार करें और वो हमें अटेंशन ना दे, केयर ना करे, तो उसका फिर साथ में रहना ना रहना एक बराबर ही होता है। तो दोस्तों, वही चीज़ आती है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स, होम प्रोडक्ट्स जो हमें फैसिलिटी देते हैं। टॉपिक है मेरा माइक्रोवेव का है कि माइक्रोवेव को डीप क्लीनिंग कैसे करते हैं और बैक्टीरिया फ्री कैसे करते हैं। तो चलते हैं किचन में और देखते हैं कि मैं कैसे इसको टेक केयर करता हूँ, कैसे इसके ऊपर अटेंशन देता हूँ, कैसे इसको प्यार से रखता हूँ, जिससे कि पूरा घर परिवार जो है अपना बीमारियों से दूर रहे। क्योंकि ये जो होते हैं प्रोडक्ट जहाँ पे फूड वगैरह का मशीन में हम यूटिलाइज करते हैं, वो अगर हम उनकी केयर नहीं करेंगे तो वेरी डेंजरस, बहुत ख़तरनाक चीज़ हो जाती है। तो उसको केयर करना भी बहुत ज़रूरी है। जी दोस्तों, ये है माइक्रोवेव और इसका ध्यान कैसे रखना है और कैसे हमने इसकी सर्विस करनी है। वीकली में 2 या 3 बार जरूर करो। सबसे पहले वही जो मैं आपको बताता हूँ हमेशा, कि कोई भी अप्लाइंसेंस है आपका, तो उसको पहले डायरेक्ट पानी से गीला करके नहीं साफ करना, हमेशा पहले ड्राई क्लीनिंग करनी है। ड्राई क्लीनिंग करने से क्या होता है कि मिट्टी जो होती है, डस्ट होती है, उसकी परत जो है वो नहीं जमती। तो अदरवाइज क्या होता है, डे बाई डे ना ब्लैकनेस आनी शुरू हो जाती है प्रोडक्ट। अगर जैसे वाइट प्रोडक्ट है, ब्लैक हो तो पता नहीं लगता, लेकिन अगर पास से देखोगे तो आपको प्रॉब्लम आ ही जाएगी। इसी तरह अंदर से, ये मैं गुण लाइट लगा देता हूँ दिखाने के लिए, और इसको अंदर से भी आपने ये ट्रे निकाल के भी केयरफुल, क्योंकि ये बड़ी केयरफुल चीज़ है, काफ़ी लोग तोड़ देते हैं इसको। तो इसको आप पहले ड्राई क्लीन करेंगे हम, ठीक है जी, इस तरह से। अच्छी तरह से ये नीचे ऊपर रोड लगी हुई है ग्रिल, इसको भी हम पकड़ के साफ कर लेंगे और इसमें भी करना, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें इसमें बनाते हैं और कितना फूड जो है वो आसपास रहता है इसमें। तो हम सफाई नहीं करेंगे डेली बेसिस पे, डेली ना करें, 3 बार कर लें हफ्ते में, तो उससे क्या है कि सेफ्टी रहेगी। फूड दूसरा भी आप गर्म करोगे तो उसमें डेंजरस बैक्टीरिया वगैरह जो है घुसेंगे नहीं इसके अंदर, आप जो खाना और बना रहे हो, जब बच्चों का दूध गर्म कर रहे हो। और हमेशा याद रखें, बच्चों का दूध, अगर बहुत सारे मैंने लोगों को देखा है बच्चों का दूध जो है प्लास्टिक की बोतल ऐसे रख देते हैं ईजी प्रोसेस के लिए, तो वो गलत चीज़ है। जहाँ तो आप एक कप लीजिए, ये बोन चाइना वाला जो होता है कप, उसमें 30 सेकंड का जो भी है जो टेम्परेचर मिनिमम रखना बच्चे के दूध पीने के लिए, उतने भी गर्म कीजिए, क्योंकि प्लास्टिक जो होती है डेंजरस होती है, हार्मफुल होती है गर्म होने पर, आपने सुना ही होगा। तो वो केमिकल्स धीरे धीरे हमारे बॉडी में जाते रहते जो कैंसर पैदा करते हैं, तो इससे सेफ्टी भी ज़रूरी है, ठीक है जी। ये तो फॉर द टाइमिंग मैंने क्लीन कर दिया इसको। अब क्या करना है, इसको दोबारा से क्लीन करने के लिए अभी मैंने आधा कप पानी लिया है, उसमें बिल्कुल थोड़ा सा, बिल्कुल हल्का सा डिटोल डाल देना है, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा डल गया, वैसे थोड़ा सा डालना है, ठीक है जी। अब डिटोल वाला जो कप है इसको हम लगा देंगे 2 मिनट के लिए। आप देखेंगे ये पानी जब बर्न होगा ना, पानी बर्न होने से जो डिटोल के वाइपर्स है, जो वेपर्स जाएंगे वो सारे इसमें आसपास सारे चले जाएंगे अंदर तक। उससे क्या होगा कि जो आपको, आपका जो है बैक्टीरिया फ्री माइक्रोवेव होता है। वैसे भी हीट के साथ जब ये डिटोल रिएक्ट करेगा तो उससे बेनिफिशियल तो होगा ही होगा। ये देखिए दोस्तों, धुआं उठ रहा है, स्टीम। अब थोड़ी देर इसको बंद रखना है, थोड़ी देर बंद रखना है हमने, जब तक थोड़ा सा ठंडा ना हो जाए। लीजिए दोस्तों, अब ये पूरा स्टरलाइज हो गया है माइक्रोवेव वाटर डिटोल के कम्बिनेशन से, ये सारे का सारा अंदर से, ये देखिए
यहाँ भी देखो वाटर वगैरह के पेपर्स आ गए, तो डिटॉल के वाटर पेपर जो हैं सार चारों तरफ अंदर तक चले गए हैं। उससे ये सेफ हो गया कि अब आपका स्टरलाइज हो गया है यूज़ करने के लिए, अब इफ़ेक्टिव है फूड खाने के लिए। अब क्या करना है हमने, अब यही वाटर जो है ये जो गर्म पानी है इसको ठंडा कर लेंगे थोड़ा सा पानी डालकर, और फिर स्पंज से इसको पूरे को साफ करेंगे। ठीक है जी, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ट्रे को पहले उठा लें वैसे प्रोसेस में। ये देखिए मैंने ये ऐसा पीस रखा हुआ है सफाई के लिए, हमेशा जब भी माइक्रोवेव की सफाई करता हूँ तो इस अब इसको थोड़ा हल्का सा डिप करके इसमें से पानी निकाल लेंगे बिल्कुल सो ड्राई करके, तो सारे सफाई कर लेंगे। ठीक है जी, ऐसे सारे रोड ऊपर नीचे बंद करके, मैं तो अभी चलाया था लेकिन बंद करके, इसको बंद करके अच्छी तरह से सारे की सारी अब अंदर बाहर से पूरी सफाई करनी है। ठीक है जी, ये सफाई करने के बाद एक और काम करना है आपने, ये पूरी सफाई करने के बाद जो कॉकरोच मारने वाला होता है ना स्प्रे, वो ना हमेशा एक दिन छोड़ के ऐसे पूरा इसकी रेखा बना देनी है चारों तरफ, स्प्रे मार देना ऐसे, वो खोल के नहीं मारना, सिर्फ ऐसे बाहर बाहर से स्प्रे पूरा चारों तरफ कर देना है, क्योंकि कॉकरोच जो होते हैं कॉकरोच माइक्रोवेव में एक तो बैक्टीरिया फैलाते हैं, दूसरा क्या है एक और नुकसान हुआ मेरे साथ हुआ, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि इसके अंदर इस पैनल के अंदर कॉकरोच चले गए थे काफ़ी सारे, उन्होंने बच्चे वगैरह अंदर ही अंडे वगैरह पैदा हुए और ये पैनल मेरा डेड हो गया और पूरे का पूरा ये पैनल चेंज हुआ। ऑन हो रहा था लेकिन कोई भी स्विच वगैरह कोई भी बिहेव नहीं कर रहा था और लाइट जल रही थी डोर खोलने के बाद माइक्रोवेव का, तो ये चीज़ों का आपने हमेशा ध्यान रखना है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, और मैं अब इसको अच्छी तरह से साफ कर लूँ और इसको मैं यूज़ टू करूँ।